स्टूडेंट अब हम लोग केमिस्ट्री में आगे सीखेंगे सबसे धमाकेदार किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना। बहुत से बच्चे केमिस्ट्री में जो भी कंपाउंड आते हैं उनके नाम नहीं लिख पाते हैं, बहुत से बच्चे। तो मैं आज आपको एक धांसु ट्रिक, धांसु रूल दूंगा जिसमें किसी भी कंपाउंड का आप नाम आसान इजी में लिख सकते हो। तो इसके लिए आपको दो चीज याद करना पड़ेगा, दो चीज। रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है, कहता है कि देखो इसमें जैसे हम लोग काउंटिंग करते हैं किसी भी चीज का, जब काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 नेम होते हैं ना, तो ऐसे ही केमिस्ट्री में भी एलिमेंट जितने होते हैं उनकी संख्या के लिए एक स्पेशल नेम होता है। यानी कि जब कोई चीज एक होता है, 1 होता है, उसको बोलते हैं मोनो, ठीक है। जब 2 होता है तो डाई, 3 होता है तो ट्राई, 4 होता है तो टेट्रा, ठीक है, 5 होता है तो पेंटा, 6 होता है तो हेक्सा, 7 होता है तो सेप्टा या कहीं कहीं लिखते हैं हेप्टा, ठीक है, 8 होता है तो आक्टा, 9 होता है तो नोन, और जब 10 हो तो उसको लिखते हैं डेक। बस इतना आप लोग एक बार बस इसको याद कर लो कि जब कोई एलिमेंट की संख्या 1 हो तो उसको मोनो लिखेंगे, 2 हो तो डाई लिखेंगे, 3 हो तो ट्राई लिखेंगे, 4 हो तो टेट्रा लिखते हैं, 5 हो तो पेंटा। ऐसे 10 तक मैंने लिख दिया, आप लोगों का बीएससी तक इतना ही काम देगा, इससे ज्यादा नहीं आता है। अब देखो इसमें सेकेंड रूल क्या होता है बच्चे, सेकेंड रूल, जैसे मान लीजिए कि कोई एक एलिमेंट एक्स है वह हाइड्रोजन के साथ आ गया, कोई एक एलिमेंट ए है जो क्लोरीन के साथ आ गया, तो कहने का मतलब क्या है कि जब कोई दो एलिमेंट आपस में रिएक्शन करे और लास्ट में क्या हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो एंड ईटीसी, ठीक है। तो जब किसी एलिमेंट के लास्ट में सल्फर ब्रोमीन ऑक्सीजन क्लोरीन हाइड्रोजन एंड ईटीसी कुछ ऐसे एलिमेंट आते हैं, ठीक है, तो हम उनके नाम के बाद हम इस एलिमेंट के नाम के लास्ट में हम क्या लगाते हैं, आई। जैसे मान लो यहां क्या हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, हाइड्रोजन है ना, तो हम हाइड्रोजन नहीं लिखेंगे, हाइड्राई, क्या लिखेंगे, हाइड्राई, आई डी ई, आई लगा देंगे। अगर सीएल हो तो क्या होगा, क्लोरीन ना, तो क्लोरीन नहीं लिखते हैं, लास्ट में क्या लगाते हैं आई। बस आपको सीखना है कि अगर हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, ठीक है, तो यह सब जहां भी इलिमेंट लास्ट में आते हैं इनके नाम की हम लास्ट में आई जोड़ते हैं, आई। बस ये दो चीज याद करो, ये नेमिंग और लास्ट में आई लगाते हैं, आपका नाम लिखना आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, अगर ये क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन के हम लास्ट में इसका नाम क्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, क्लो आर आई डी ई, क्लोराइड। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन नहीं लिखते हैं, ऑक्साइड लिखते हैं, OXIDE, आई लगाते हैं हमेशा आई लगाते हैं कुछ इस खास केस में। जैसे लेते हैं एग्जांपल, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत धांसु, आपको कभी लाइफ भर नहीं बुलाएगा। सबसे लेते हैं सिंपल, देखो इसमें यह भी नहीं है मैटर कि वह कंपाउंड रियल में फॉर्म होता है कि नहीं, बस कोई एक ऐसा आपके पास स्ट्रक्चर हो और आपको उसका नाम लिखना हो, वह कंपाउंड एग्जिस्ट करे। मैं ये नहीं कहता हूं कि वह कंपाउंड जो मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा वह होता ही होगा, लेकिन हाँ अगर कोई ऐसा फिगर हो तो उसका नाम क्या होता है, लाइक दिस लिखते हैं H2S, मुझे इसका नाम लिखना है कंपाउंड में। बोलो गरीब बाप क्या है, अरे बहुत ईजी है। देखो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन देखते हैं कि पहला एलिमेंट कितना है, 2, 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई, भाई 2 था तो डाई लगा दिए, ये डाई क्या था, हाइड्रोजन ना, तो लिखेंगे डाई हाइड्रोजन, क्या लिखेंगे, डाई हाइड्रोजन। अब देखो क्या आ रहा है, सल्फर, सल्फर है ना, तो सल्फर देखो कितना आ रहा है, 1, यानी अकेले है, तो लिखेंगे मोनो, तो डाई हाइड्रोजन मोनो। अब देखो क्या है, सल्फर ना, तो सल्फर नहीं लिखेंगे, सल्फर नहीं लिखेंगे, सल्फाई, लास्ट में क्या लगा देंगे, आई,
तो ये इसका नाम हो जाएगा। इसका एक नाम और हो जाएगा, जैसे आप 1x लिखो या x लिखो, यानी कि जब कोई एलिमेंट 1 हो तो चाहे वहां पे 1 लगाओ चाहे मत लगाओ, तो ऐसे ही यहाँ पे अगर सिंगल s है यानी एक यस है तो मोनो लगाइए चाहे मत लगाइए, इसका एक नाम और हो जाएगा। कैसे? देखो यस टू यस है ना, तो पहले देखो कि यह एलिमेंट कितना है, 2। 2 के लिए क्या होता है? डाई। यह डाई क्या है? यच ना, यच में तो क्या होता है? हाइड्रोजन। तो डाई हाइड्रोजन हो गया ना, सल्फर। हमने क्या बोला? सल्फर नहीं लिखेंगे, सल्फाइड। तो हो जाएगा सल्फाइड, PHIDE, आई लगाते हैं लास्ट में, ये हो जाएगा इसका नेम। एक और लेते हैं एग्जांपल, सीखते हैं P2O5, इसका नाम लिखना है P2O5, बहुत बहुत इजी है, देखते हैं कैसे। P2O5, पहले देखो कि पहला एलिमेंट क्या है, P, फास्फोरस, कितना आ रहा है? 2, ठीक है, तो 2 के लिए क्या होता है? डाई, तो हो जाएगा डाई। पी मतलब क्या होता है? फास्फोरस, तो लिखेंगे डाई फास्फोरस, डाई फास्फोरस हो गया ना। फिर क्या रहा? ओ ऑक्सीजन, लेकिन कितना है? पहले नंबर लिखते हैं, 5 है ना, 5 के लिए क्या होता है? पेंटा, तो हो जाएगा पेंटा। अब ओ मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन ना, लेकिन ऑक्साइड लगाते हैं लास्ट में आई, यानी कि ऑक्स आई, ऑक्स हो जाएगा ऑक्साइड। तो ऐसे हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं। जैसे इसमें एक और लेते हैं एग्जांपल, यहां से ले लो कुछ भी लेते हैं, यहां पे N2O2, चलो मान लो मुझे इसका नाम लिखना है N2O2। फिर वही कहानी, देखो क्या एलिमेंट है? नाइट्रोजन, कितना है? 2, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई, यन मतलब नाइट्रोजन, तो डाई नाइट्रोजन। ओ कितना है? 2, डाई क्या ओ है? ऑक्सीजन ना, तो ऑक्साइड, तो ऐसे नाम लिखेंगे, राइट। चलो कुछ और सीखते हैं, लिखते हैं यहां पे PCl5, इसका नाम लिखना। पहला क्या एलिमेंट? फास्फोरस, तो लिखेंगे, देखो यहां पे फास्फोरस कितना? 1 ना, तो चाहे तो इसका नाम लिखो ऐसे भाई, चूंकि 1 है ना फास्फोरस अकेले, तो मोनो लगा देंगे, पी माने फास्फोरस, तो मोनो फास्फोरस, मोनोफास्फोरस। सीएल कितना है? 5, 5 के लिए क्या होता है? पेंटा, पेंटा क्लोराइड। तो ऐसे हम किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं, ठीक है, ऐसे हम किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो, 2, 3 नेक्स्ट देखते हैं। देखो मैंने फिर बोला है कि कंपाउंड एग्जिस्ट करे या न करे यह मैटर नहीं है, या आपके पास कोई एक कंपाउंड है, फिगर है, इसका फॉर्मूला ही है, इसका नाम लिखना, बस नाम लिखना हम बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पहला नाम क्या हो जाएगा इसका? Mg है ना 1, तो चाहो तो लिखो 1 के लिए क्या होता है? मोनो, तो मोनो Mg मतलब क्या होता है? मैग्नीशियम, SiU, मैग्नीशियम। Cl है ना 1 है, तो फिर लिखेंगे मोनो, Cl माने क्या होता है? क्लोरीन, यानी क्लोराइड, क्लोराइड, राइड। तो एक नाम इसका ये हो जाएगा, इसका एक नाम और होगा। हम क्या बोले हैं कि जब कोई एलिमेंट 1 होता है तो मोनो आप ऐड कीजिए या मत कीजिए, बात सही है, यानी इसका एक नाम और हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, Cl माने क्लोरीन ना, लेकिन क्लोराइड, क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। चलो थोड़ा देखते हैं इसका नाम क्या होगा, Mg2Cl3, Mg2Cl3, Mg कितना है? 2, 2 के लिए क्या हो जाएगा? डाई, डाई क्या है? 2 क्या है? Mg ना, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, तो हो गया डाई मैग्नीशियम। Cl3 है, पहले 3 का नंबरिंग करेंगे, 3 के लिए क्या होता है? ट्राई, तो हो जाएगा डाई मैग्नीशियम, डाई क्या है? क्लोरीन ना, यानी क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। देखो ऐसे ही जब हम ये इसका नाम लिखेंगे तो Mg3Cl5, 3 के लिए ट्राई, तो ट्राई मैग्नीशियम, 5 के लिए पेंटा क्लोराइड। अगर ऐसे हो P2Cl3 इसका भी नाम, फिर यही चीज, ये कंपाउंड बने या न बने मैटर नहीं है, बस ये फॉर्मूला है, इसका आपको नाम लिखना है। तो ऐसे बहुत सारे चीजों का हम नाम आराम से लिख सकते हैं, ऐसे कोई भी अगर कंपाउंड आपके सामने आए तो आप उसका फॉर्मूला बता सकते हैं।